किंगडम ऑफ यूरो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोग से माफी मांगना चाह रहा हूँ कि ये 2 महीने के बाद ना ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि बीच में कुछ बिजी शेड्यूल आ गया था मेरा, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है ना, वो बिजनेस पे है, ऐसे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो अभी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना एजुकेशन कम्प्लीट कर लिया है और बिजनेस लाइन पे जाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले ना, दो चीजें हैं जो सोसाइटी में फैली हुई हैं, वो ये हैं कि आपका अगर आपके फैमिली में सारे लोग जॉब करते हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब आपका फैमिली हिस्ट्री रहा है कि सारे लोग जॉब करते हैं इसलिए आप बिजनेस नहीं कर सकते। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज रही है कि जिनके घर में सारे लोग बिजनेस करते हैं वो जॉब नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल लाइफ में ना ये दोनों चीजें फेल हो चुकी हैं, इसलिए इनके ऊपर बात करके कोई मतलब नहीं है। अब मैं आगे के स्टेप में जाता हूं। आगे का स्टेप क्या है, आपको जैसे मान लीजिए आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट चीज होती है ना, फर्स्ट होती है आपको स्काउट करना है, आपको घूमना है। आप जहां पे बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, बस पेन और पेपर लेके जाइए और वहां पे नोट करते जाइए कि किस किस तरीके के वहां पे बिजनेस है। हो सकता है वहां पे मिठाई की दुकानें ज्यादा हों, मोबाइल शॉप्स हों, जो भी हो, आप सारा ना नोट करते जाइए, ठीक है। तो नोट करने के बाद फिर आप घर पे आइए। अब घर पे आने के बाद आपको ना ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके का बिजनेस में अब जाना है। तो देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे पहला चीज होता है ना, जो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके फैमिली में कोई बिजनेस नहीं किया तो आपको नहीं करना है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, हमको ना एक्सपीरियंस नहीं होता बिजनेस का। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आपका जो भी इंटरेस्ट का बिजनेस है ना, उसके लिए आप अपने लिए पहले एक्सपीरियंस गेन करिए। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर इंजीनियर या कंप्यूटर शॉप डालना है या फिर मोबाइल की दुकान डालनी है, और आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम, आपको बेसिक चीजें नहीं मालूम है, आपको ये नहीं पता कि हार्ड डिस्क क्या होती है, मॉनिटर क्या होता है, इसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसका कैसे सॉल्व करते हैं, तो जब ये सारी चीजें नहीं मालूम होती ना, तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्या होता है, आपको जब बिजनेस नहीं, मतलब बेसिक चीज नहीं मालूम है, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। तो आप पहले उसके लिए ना बेसिक अपना ट्रेनिंग या इस तरीके का अपने आप को डेवलप कर लीजिए, और फिर डेवलप होंगे जब आपको लगेगा नहीं यार अब मैं पूरी तरीके से पक्का हो चुका हूं, तब फिर उस बिजनेस में आइए। सेकेंड चीज जो होती है, जैसे मान लीजिए आपने अब डिसाइड कर लिया कि मेरे को अब ये बिजनेस करना है, अब उस पर्टिकुलर एरिया में वो बिजनेस करने वाले दूसरे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही का शॉप है। अगर आप ही का है तो फिर आप बहुत लकीएस्ट पर्सन है, जो कि होता नहीं है। आजकल सारी दुकानें सारी जगह अवेलेबल है। तो आप मान लीजिए कोई मोबाइल का शॉप वहां पे डालना चाहते हैं, तो वहां पहले से 2 मोबाइल दुकान है और आपने दोनों दुकानों का पता कर लिया, पता कर लीजिए वहां पे कितने कस्टमर आ रहे हैं। देखिए, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का सबसे मेन चीज होता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो चीज होती है, जब आप बिजनेस करो चाहे ना करो, आपको उतना पैसा उसमें लगाना पड़ता है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको फिक्स कॉस्ट कम करनी है। मैं जो ने शुरू में जो बोला था ना कि आपको ट्रेनिंग लेनी है कोई भी चीज की, जैसे हार्डवेयर करना है, इंजीनियरिंग करना है या जो भी है, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये कहने के पीछे मेरा रीजन क्या था कि इससे आपका फिक्स कॉस्ट ना थोड़ा सा कम होगा, आप अपने जो आपके एम्प्लॉई है ना उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो उससे क्या होता है, लोग आपको बेवकूफ भी बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीजें क्या आपकी फिक्स कॉस्ट को कम करेंगी, कि आप खुद उसका नॉलेज है आपको, तो आप थोड़े दिन तक, जब तक आपका दुकान सेटअप नहीं होता, आप खुद उस दुकान को चला सकते हैं। तो फिक्स कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिक्स कॉस्ट में आपके दुकान का किराया रहता है, आपके बिजली का खर्चा आ जाएगा, और आप अगर एम्प्लॉई रखते हैं तो उनका खर्चा आ जाता है। अब देखिए, कोई भी बिजनेस ना प्रॉफिट से चलता है, तो आपको क्या है, आपने वो देखना है कि कितना आपको प्रॉफिट गेन होगा। तो इसके लिए देखिए, जो दुकानें पहले से वहां पे ऑपरेट हो रही ना, तो आप एक चीज पता कर लीजिए कि वो दुकानों में माल वो कहां से लाता है, मतलब कहां से वो मोबाइल ला रहा है। अभी मोबाइल का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, तो मोबाइल कहां से लेके आ रहा है, तो मान लीजिए वो मोबाइल एक्स दुकान से लेके आ रहा है, तो एक्स दुकान में उसका वो कॉस्ट पड़ता है, तो आप ना वाई दुकान खोजिए, ऐसी दुकानें खोजिए जहां से आपको उससे भी कम रेट में मोबाइल मिले। तो उस तरीके से खोज के ना आपको धीरे से प्राइस को कम करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ नया चीज देना पड़ेगा,
देखिए कभी भी आप किसी एरिया में एंटर करते हैं ना, आप सामने वाले कस्टमर नहीं तोड़ सकते। कस्टमर तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपन प्राइस को यहाँ पे इम्प्रूव कर लें, ठीक है, और जैसे जैसे धीरे धीरे कस्टमर्स आने लगे तो हम अपनी क्वालिटी और हमारे जो स्किल्स है उसके से उनको मतलब इस तरीके से दिखा दें, नहीं यार ये मोबाइल दुकान बहुत अच्छा है। अब इसमें अपने को बहुत सारे वेरिएशंस रखने हैं मोबाइल में। आप ये पता कर लीजिए कि उन दुकानों में कुछ ऐसे मोबाइल होंगे जो मिलते नहीं है और वहां पे वो डिमांड में है, तो आप उन मोबाइल्स को भी अपने शॉप में रख सकते हैं, तो उससे भी क्या आपकी सेल बढ़ेगी। और हमेशा याद रखिएगा, ये जो जो भी बिजनेस कर रहे हैं या लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं ना, उसमें ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर आप ईमानदार नहीं होंगे ना अपने जॉब के प्रति या अपने बिजनेस के प्रति, तो आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको कस्टमर जो होगा ना उसको एकदम ऊपर पे रखना, ठीक है। कस्टमर को कभी ये नहीं होना चाहिए कि नहीं यार ये इसके अंदर घमंड है दुकानदार में और ये हमारे प्रॉब्लम्स को नहीं सुनता, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, कस्टमर ना भगवान है, और उसको मतलब उसका जो भी है ना, कभी आपको हो सकता है कि कोई चीज से लॉस भी हो ना तो भी आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को अपने को उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ही बिजनेस का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। तो मान लीजिए आपका बिजनेस एक लेवल पे आप डेवलप हो जाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा बिजनेस वही सक्सेसफुल होता है जो बिजनेस में मल्टीपल आप ब्रांचेस डालें। एक लेवल के बाद आपको उसी तरीके का सिमिलर बिजनेस कहीं और ओपन करने का देखना चाहिए, जहां पे उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में वैसी दुकानें ना हो। तो उससे क्या होता है, अपने ब्रांचेस फैलती हैं और आपका बिजनेस ज्यादा फैलता है। तो इसमें मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूं। हम लोग बचपन में एक फ्रेंड के घर जाते थे, तो वहां क्या हमारी साइकिलें हमेशा रास्ते में पंचर हो जाती थी। तो उस पर्टिकुलर रोड में ना कोई पंचर बनाने वाला नहीं था, तो हमने ना एक पंचर वाले को कन्विंस किया और बोला भाई यहाँ पे आप दुकान डाल दो। तो उस पंचर वाले ने वहां पे दुकान डाला और वो धीरे धीरे ग्रो करता गया, आज उसकी खुद की साइकिल की दुकान है। तो कभी कभी ना आपको कोई ऐसा एरिया मिल सकता है जो पर्टिकुलर वहां पे वो शॉप ही ना हो, तो उस तरीके का भी आप वहां पे भी अपने ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं। तो बिजनेस के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको पहले स्काउट करना है, घूमना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज है आपको मटेरियल अवेलेबिलिटी पता करनी है, जो भी मटेरियल है उसका वो सोर्स पता करना है जहां से अच्छे माल और सस्ते में आपको माल मिले। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस में कुछ मतलब एक्सपीरियंस गेन करना है। उस बिजनेस में आने से पहले कोई ट्रेनिंग या इस तरीके का लेना है, एकदम मतलब कोई सा भी ऐसे कूद नहीं जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ईमानदार होना चाहिए, और कस्टमर जो है आपका ना सबसे ऊपर की प्रायोरिटी में, मतलब कस्टमर जो बोले आपको ना उसको कन्विंस करना है। कस्टमर हमेशा सही नहीं बोलते, ये नहीं बोल रहा हूं कि कस्टमर हमेशा सही बोलता है, आपको ना उसको एक लेवल में कन्विंस करना पड़ेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा। देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और ईमानदारी तो हर चीज में होनी चाहिए। बिना ईमानदारी के क्या है, ना तो बिजनेस चलता है ना तो लाइफ चलता है। तो इसलिए क्या है, ईमानदार बनिए, और बिजनेस में वही सक्सेस होता है जिसको उस बिजनेस का नॉलेज होता है, एज वेल एज वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है, और उसको उसके दुकान में जो भी चीजें वो बेच रहा है उसके सोर्स पता होता है कि उसको कहां से माल लेना है और कहां से अपने को सस्ता करना है। और इसमें फिक्स कॉस्ट हमेशा ध्यान रख लीजिए, आपके दुकान का किराया हो गया, ठीक है, और आपके जितने एम्प्लॉई हो गए ये, और आप मान लीजिए अपने दुकानों में और भी कई चीजें करते हैं जो कि फिक्स कॉस्ट में आ सकता है। आप मान लीजिए चाय ले रहे हैं या आपके एम्प्लॉई नाश्ता कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो चीजें हैं ना वो भी आपके फिक्स कॉस्ट में आ सकती है। तो ये सारी चीजों को ना अपने को ना थोड़ा सा मिनिमाइज करना है इनिशियल लेवल पे। इनिशियल लेवल पे फिक्स कॉस्ट को आपको कम करना है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अगर आपका हाई होगा ना तो वो जो दुकानें जो पहले से बैठे हुए ना आप उनसे आगे बढ़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने ना जितनी भी बातें बोली हैं आपको समझ में आई होंगी, और इस चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा ना इस चैनल को शेयर करिएगा, क्योंकि क्या है
चैनल में वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मैं आप लोगों को सहयोग चाहिए आपका कि अगर ये चैनल का जो वीडियो है अगर किसी भी एक आदमी के काम आए ना, तो मेरे को लगेगा कि यार ये वीडियो जो बनाया ना एकदम करेक्ट बनाया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।